डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विमानतल नागपुर परिसर में कर्नाटक सरकार के पर्यटन से संबंधित होर्डिंग्स पर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के कार्यकर्ताओं का जमकर गुस्सा फूटा। मराठी का सवाल उठाते हुए कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक सरकार के विरोध में आंदोलन कर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने परिसर में लगा होर्डिंग फाड़ दिया। कर्नाटक व महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद चल रहा है। विमानतल परिसर में होर्डिंग में इसी कर्नाटक एनयू लिखा है, उसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराव बोम्मई व पर्यटन मंत्री आनंद सिंह का चित्र है। उसमें यह भी लिखा है, अवर स्टेट मैनी प्राइड। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने होटल प्राइड के पास नारेबाजी की। शहर प्रमुख नितिन तिवारी के नेतृत्व में कर्नाटक सरकार मुर्दाबाद कहा गया। बाद में होर्डिंग फाड़ दिया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सत्ता के लिए भाजपा के आकर्षण में है। दीपक कापसे, सुशीला नायक, मंगला गवरे, मुन्ना तिवारी, नीलिमा शास्त्री, प्रीतम कापसे, विशाल कोरके सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। आज नागपुर शहर की शिवसेना यहाँ पर एकत्रित है नागपुर विमानतल पे, क्योंकि यहाँ पर नागपुर विमानतल पे आज आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिंदे साहब समृद्धि हाईवे की पाहनी के लिए, निरीक्षण के लिए यहाँ पर शुभारंभ उपस्थित होने वाले थे। उप मुख्यमंत्री साहब आज उपस्थित हुए। यह देखने के बाद कर्नाटक सरकार ने एक चैलेंज के रूप में उनको हड़काने के लिए एक गाली स्वरूप आज उन्होंने कर्नाटक के पर्यटन विभाग के बैनर लगाए गए यहाँ पर। ये कर्नाटक विभाग के जो बैनर लगे हैं ये महाराष्ट्र का अपमान है, क्योंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को जो धमकाने का प्रयास कर्नाटक सरकार कर रही है, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी सहन कर ले, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को सहन हो जाएगा, लेकिन बाला साहब के शिवसैनिक को, जो उद्धव जी का शिवसैनिक है, उसको सहन नहीं होगा। क्योंकि महाराष्ट्र का सम्मान, अपनी मातृभूमि का सम्मान ये हमारे लिए है। छत्रपति शिवाजी के इस महाराष्ट्र में, स्वतंत्र वीर सावरकर साहब के इस महाराष्ट्र में, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का कोथरा निकाला था, स्वतंत्र वीर सावरकर ने जिस प्रकार से गुलामी महसूस नहीं की, उस प्रकार अपनी मातृभूमि के लिए, अपने महाराष्ट्र के लिए उद्धव जी का शिवसैनिक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ पर हमने सांकेतिक रूप में से कुछ बैनर फाड़े हैं, उसके बाद भी प्रशासन को, एयरपोर्ट अथॉरिटी को यह अल्टीमेटम है शहर शिवसेना की तरफ से, 24 घंटे में यदि बैनर नहीं निकाले गए तो शिवसेना कानून को अपने हाथ में लेकर पूरे बैनर फाड़ेगी। उसके बाद जिम्मेदार प्रशासन खुद रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र का अपमान सहन नहीं करेंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहन के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।